हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे JDC परीक्षा पास करें और ट्रैक मेंटेनर से गुड्स गार्ड तक का सफ़र देखेंगे कैंडिडेट का। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे चैनल में सभी एग्जाम से रिलेटेड जॉब अपडेट्स मिलेंगे दोस्तों, जॉब प्रोफाइल मिलेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो मिलेंगे दोस्तों, आंसर कीज मिलेंगे, रिजल्ट अपडेट मिलेंगे, DV लिस्ट मिलेगा दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये बहुत ही खास वीडियो है ना, ट्रैक मेंटेनर से गुड्स गार्ड तक का सफ़र देखें और ये रहा वो, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ट्रैकमैन से कैसे JDC एग्जाम दिलाकर पास हुए हैं लेखराज भैया, इनका नाम है, पूरा नाम क्या भैया आपका? लेखराज बैरवा। और इनका जो JDC में दोस्तों गुड्स गार्ड के पद पर चयन हुआ है, तो ये अपना पूरा अनुभव पेश करेंगे दोस्तों, अपना अनुभव शेयर करेंगे आप लोगों के साथ ताकि आप लोग भी मोटिवेट होए और ट्रैकमैन से जो मेहनत रहता है दोस्तों, इवन उसके बावजूद शाम को आकर पढ़ना, 2-3 घंटा निकाल कर पढ़ना और फाइनली JDC एग्ज़ाम पास करके यहां तक आना दोस्तों गुड्स गार्ड तक, और 2-4 दिन के बाद इनका फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों। तो इस पूरा वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए लेखराज भैया, आप अपना शेयर कीजिए अनुभव, कितना हार्ड रहता था ड्यूटी, उसके बावजूद आपने कैसे तैयारी किया, सब चीज़ बताइए भैया। देखिए, अगर इंडियन रेलवे में ट्रैकमैन का जो वर्क होता है जी, बेसिकली हार्ड तो होता ही है जी। इसमें दिन भर देखो सब, मतलब एक तरह से सब्बल चलाना जी, हार्ड वर्क होता है, उसके बावजूद भी आपको समय निकालना, ये बहुत बड़ी बात होती है जी। इसमें क्या होता है कि देखो, हमको पहले घर पे जाने के बाद खाना वाना बनाना होता है जी जी, फिर जाके हमको अपना जो पहले शुरुआती में जो भी हमने पढ़ा जी, उनको हमको रेगुलरिटी बनाने के लिए कम से कम जी हमको 2-3 घंटा जी रेगुलर हमको प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ता है जी जी, तब जाकर हमारा मतलब ये क्या होता है कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया जी, और रीजनिंग हो गया जी, इस पे हमारा कवर जो बना रहेगा जी जी, तब जाकर मतलब कि और हो गया आपका करंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और जो कि तो आप जैसे GS का कैसे तैयारी करते हैं, रेलवे के लिए कौन सा बुक सही है GS के लिए? काफी क्वेश्चंस होते हैं सर GS के लिए या मैथ्स के लिए, रेलवे के लिए कौन सा बुक सही रहता है आप बताएंगे? इसमें तो देखो क्या होता है कि जो भी रेलवे के पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं जी, पेपर सेट होते हैं जी, उनका आप अगर रेगुलरली उनको निकालते रहेंगे जी, तो उससे भी मतलब आपका मैथ हो गया, GS हो गया, जितने भी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है उनको आप एक बार मतलब रोज रोज उनको देखे जाएंगे। अच्छा, उससे भी आपको पता चलेगा कि रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना चाहिए। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना चाहिए, और वर्तमान में जो जैसे कि अदरवाइज भी जो एग्जाम लेता है जी, जैसे SSC हो गया जी, और रेलवे का भी जो लोको पायलट के लगी थी एग्जाम, उनके भी अगर आपको पेपर मिल जाते हैं तो उनको भी आप अगर देखते हैं तो उससे भी आपको रेलवे में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, उससे भी आपको थोड़ी बहुत ये जानकारी होगी। हाँ, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और क्या होता है कि हमको एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ, हम ये चीज करना है, ये चीज हमको करना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में जी, तो आपके तैयारी थोड़ी अच्छी होने लगेगी। अच्छा भैया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बताएंगे आप? मैं राजस्थान से करता हूँ। राजस्थान से है, और आपका ज्वाइनिंग हुआ करके लिए? मेरा पहले रायगढ़ में हुआ था, फिर उसके बाद आपने ट्रांसफर कराया जी। अच्छा, तो आप ये बताएंगे भैया कि जैसे NOC आपने प्रोड्यूस किया था जब फॉर्म भरे थे, तो JDC का? JDC में देखो NOC आपको नहीं लेना पड़ता है। अच्छा, मतलब रेलवे के एग्जाम्स दिलाएंगे तो NOC की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत सारे अपना डिपार्टमेंटली हो गया ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली NOC बन जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे अगर आप ओपन वैकेंसी में अगर अप्लाई करते हैं जी, तब आप NOC लेना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपको अदर में लेना ही पड़ेगा अगर आप रेलवे जॉब में हैं। हाँ, तो आपको NOC बहुत जरूरी है। बिना NOC के कई कैंडिडेट बोलते हैं कि हम रिजाइन देके चले जाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? रिजाइन देके देखो, अगर आपका PF कट रहा है जी,
पीएफ कट रहा है तो सबसे बढ़िया है कि आप एनओसी लो जी, ये बात है, ठीक है। अगर हम ऐसे रिजाइन दे के जाते हैं तो आपको जो इतनी साल सर्विस की जी वो उसमें काउंट नहीं होगी जी जी, ये बात हो जाती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि एनओसी अगर आप अदरवाइज में अप्लाई कर रहे हैं तो एनओसी जरूर लीजिए। अच्छा भैया, आप ये बताएंगे कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके के लिए अगर एक एक दो बुक की बात की जाए, आप बस बुक का नाम बता दीजिए ताकि कैंडिडेट्स लोग भी पढ़ाई करें जो अभी नए ज्वाइनिंग किए हैं। बहुत सारे रेलवे में ट्रैकमैनों की भर्ती हुई है इस साल, है ना, लगभग 62,000 की वैकेंसीज थी तो लगभग 60,000 की पूरे भर्ती हुई है। तो आप बताएंगे भैया कि कैसे इसको करना चाहिए, कौन सा बुक सही रहेगा पढ़ने के लिए? तो देखो, ऐसे देखा जाए तो सभी बुक सही रहती है जी, लेकिन रेलवे का बुक की बात करें तो स्पीडी भी हो गई जी, एक किरण करके आती है, किरण भी है, ठीक है, किरण रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक है, रुक्मणी प्रकाशन, हाँ, किरण स्पीडी, हाँ, वो क्या है कि स्पेशली अपना रेलवे के लिए जी, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पे भी अपना बुक देता है जी जी। तो मेरे हिसाब से वो भी अच्छी बुक रहती है। अच्छा, हाँ, और बुकें तो पूरी ठीक रहती हैं, लेकिन आप उसमें ये आपको डिसाइड करना होता है जी कि हम कौन सी बुक पढ़े जिससे हमको, जैसे रेलवे का संबंधित हम बात कर रहे हैं तो रेलवे से संबंधित अपनी जो रुक्मणी प्रकाशन है जी, वो एक बहुत अच्छी बुक निकालता है जी जी, हम भी उसी का उसी को पढ़ते हैं। स्पीडी हो गई तो दो तीन चार बुकें हमने पढ़ा है, वैसे बुकें पूरी ठीक होती हैं जी जी, कोई बुक अच्छी मतलब खराब नहीं होती है। और आपको, आपने कितने बार जेडीसी एग्जाम फाइट किए हैं? देखो, मेरा सर्विस हो गया है लगभग में 5 साल। अच्छा, ज्वाइनिंग कब हुआ था आपका? मेरा हुआ था 15 में, 2015 में, 15 में ज्वाइनिंग हुआ था जी, और ये हो गया गुनिस पीसी आने वाला है तो लगभग में 5 साल हो गई है जी जी। तो इसमें जीडीसी, देखो बिलासपुर जोन में से मैं अभी हूँ तो इसमें एक ही जीडीसी को देने का मेरे को मौका मिला है जी जी, तो मैं एक ही जीडीसी दी हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है सर हम टेक्निकल के लिए तो बहुत स्कोप है रेलवे में, बट जो नॉन टेक्निकल है और वो ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत है तो उनके लिए क्या स्कोप है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए रहता है, जैसे आप गुड्स गार्ड की पेपर हो गई और बाकी के लिए? तो अब देखो, गुड्स गार्ड में तो ए टू कैटेगरी चाहिए, ए टू कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी चाहिए, हाँ। इसमें आपको आंख रेंज 6x9 जी, विदाउट ग्लास, विदाउट ग्लासेस, हाँ हाँ, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड में तो आप देखो, ए टू में जितने भी आपका मेडिकल आता है वो सब कुछ चेक होता है, हाँ हाँ, ये है। तो नॉन टेक्निकल के लिए क्या पोस्ट रहता है जो अप्लाई कर सकते हैं? नॉन टेक्निकल के लिए देखो, एनटीपीसी की जितनी भी पोस्ट होती है वो नॉन टेक्निकल ही होती है। अच्छा, तो सब टेक्निकल ही होती है, हाँ हाँ। तो जीडीसी में एनटीपीसी के पोस्ट निकलते हैं? जीडीसी में एनटीपीसी के निकलते हैं ना। अच्छा अच्छा, डीसीसीसी हो गया, हाँ हाँ, गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन, तो ट्रैकमैन लोग वो सब दिला सकते हैं? हाँ, अगर जीडीसी से निकलता है तो ट्रैकमैन को भी मौका मिलता है। अच्छा, तो जो आप लास्ट टाइम जब निकला था जो वैकेंसीज था उसमें आपका गुड्स गार्ड एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है? हाँ, नॉन टेक्निकल पोस्ट है ये। अच्छा, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है भैया? मेरा ग्रेजुएशन है, आईटीआई भी है। आईटीआई भी था, अच्छा। लेखराज भैया जी ने आज बहुत अच्छा है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आशा करता हूँ कि आप कैंडिडेट्स लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को मोटिवेशन मिले कि कैसे ट्रैकमैन के पद होते हुए भी 4-5 साल लगातार मेहनत करने के बावजूद, रात को शाम को फील्ड से आने के बाद भी पढ़ाई करने के बाद आज ये भैया 2-4 दिन के बाद इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके बताएंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके भैया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।